नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे से होंगे। फिर हाजिर हूं एक नए ब्लॉग के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ लगातार M24 के साथ। आइए जानते हैं 1 अप्रैल से 10 बड़े नियमों में बदलाव के बारे में। और एक बात बता दूं कि होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी को ख़त्म कर दिया गया है और दवाओं पर भी अब बढ़ेगा बोझ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। 1 अप्रैल यानी कि शुक्रवार से नया द्वितीय वर्ष 2022-23 शुरू हो रहा है। इस दिन से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जिसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। नागरिकों के लिए कई नई व्यवस्थाएं शुरू होंगी, तो वहीं सुविधाओं जैसे बैंकिंग, PF, GST आदि के नियमों में बदलाव की होंगे। इनका असर हमारी कमाई, खर्च और निवेश पर भी पड़ेगा। आइए जानते हैं इन 10 बड़े बदलावों के बारे में जो आपकी जेब पर असर डालने वाले हैं। पहला बदलाव, PF खाते पर टैक्स। केंद्र सरकार 1 अप्रैल से नए आयकर कानूनों को लागू करने जा रही है। मौजूदा PF अकाउंट को 2 भागों में बांटा गया है जिस पर टैक्स भी लगेगा। नियम के मुताबिक PF खाते में 2.5 लाख रुपए तक टैक्स की फ्री योगदान का कैंप लगाया जा रहा है। यदि इसके ऊपर योगदान किया तो ब्याज पर टैक्स लगेगा। सरकारी कर्मचारियों के GPF में टैक्स की योगदान की सीमा 5 लाख रुपए सालाना है। दूसरा बदलाव, पोस्ट ऑफिस के नियम। डाकघरों में यानी पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजना में निवेश करने वालों के लिए जरूरी बदलाव होने जा रहे हैं। 1 अप्रैल से पोस्ट ऑफिस में मंथली इनकम स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स पर ब्याज का पैसा सेविंग खाते में ही मिलेगा। पोस्ट ऑफिस जाकर कैश में ब्याज का पैसा नहीं ले सकते, सेविंग खाते से लिंक कराने पर ब्याज ट्रांसफ़र हो जाएगा। तीसरा बदलाव, म्यूचुअल फंड में निवेश के नियम। अब म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए भुगतान चेक, बैंक ड्राफ्ट या अन्य किसी भी भौतिक माध्यम से नहीं कर पाएंगे। दरअसल म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन एग्रीगेशन पोर्टल MF यूटिलिटीज 31 मार्च 2022 से चेक, DD आदि के जरिए भुगतान सुविधा बंद करने जा रहा है। अब 1 अप्रैल से म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने के लिए सिर्फ UPI या नेट बैंकिंग के जरिए ही भुगतान करना होगा। चौथा, इन बैंकों ने भी नियमों में बदलाव किया है। 1 अप्रैल से एक्सिस बैंक की सैलरी या सेविंग अकाउंट पर नियम बदल जाएंगे। बैंक ने बचत खाते में मिनिमम बैलेंस की सीमा 10,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दी है। एक्सिस बैंक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक बैंक ने फ्री कैश ट्रांजैक्शन की निर्धारित सीमा को भी बदलकर 4 फ्री ट्रांजैक्शन या 1,05,000 रुपये कर दिया है। वहीं अप्रैल में पंजाब नेशनल बैंक ने PPS को लागू कर रहा है। 4 अप्रैल से 10 लाख रुपये व उससे अधिक के चेक के लिए वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। पांचवा बदलाव, GST का नियम सरल। केंद्रीय प्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने माल का और सेवा कर GST के तहत ई चालान जारी करने के लिए टर्नओवर सीमा को पहले तय सीमा 50 करोड़ रुपए से घटाकर 20 करोड़ रुपए कर दिया है। यह नियम भी 1 अप्रैल 2022 से लागू होने जा रहा है। छठवां बदलाव, बढ़ सकते हैं रसोई गैस के दाम। हर महीने की तरह ही अप्रैल के पहले दिन भी गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव हो सकता है। इन दिनों पेट्रोल, डीजल और LPG के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है अप्रैल में एक बार फिर से गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि की जा सकती है। सातवां बदलाव, दवाओं पर होगा ज़्यादा खर्च। पेन किलर, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरस समेत जरूरी दवाओं की कीमतों में 1 अप्रैल से बढ़ने की संभावना है। सरकार ने शेड्यूल दवाओं के लिए 10% से ज़्यादा की बढ़ोतरी की अनुमति दी है।
भारत की ड्रग प्रोसेसिंग अथॉरिटी ने शेड्यूल दवाओं के लिए कीमतों में 10.7% की बढ़ोतरी की अनुमति दे दी है, जिसके बाद अब 800 से ज़्यादा दवाओं की कीमत बढ़ेगी। आठवां बदलाव, घर खरीदने पर अब ज़्यादा टैक्स। केंद्र सरकार पहली बार घर खरीदने वालों को धारा 80EEA के तहत टैक्स छूट का फायदा देना बंद कर रही है। 2019-2020 के बजट में 45 लाख रुपए तक का घर खरीदने वालों को होम लोन पर अतिरिक्त 1.50 लाख आयकर लाभ की घोषणा की गई थी। बाद में बजट 2020 और 21 में इस सुविधा को एक्सटेंड कर दिया गया था, लेकिन इस बार बजट में नए वित्त वर्ष में 2022-2023 में इस सुविधा को एक्सटेंड नहीं किया गया है। ऐसे होम बायर्स को अगले वित्त वर्ष 2022-23 से ज़्यादा टैक्स चुकाना पड़ सकता है। नौवां बदलाव, वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्पेशल FD बंद। सीनियर सिटीजन के लिए कोविड महामारी के दौरान स्पेशल FD योजना की शुरुआत विभिन्न बैंकों ने की थी। सीनियर सिटीजन को FD पर ज़्यादा फायदा मिल रहा है, अब कुछ बैंक ने इस योजना को बंद कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2 साल से चल रही इन स्पेशल स्कीम को HDFC बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि इन बैंकों ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्पेशल FD योजना की समय सीमा को विस्तार की घोषणा नहीं की है। दसवां बदलाव, क्रिप्टो करेंसी पर लागू नया नियम। 1 अप्रैल से क्रिप्टो करेंसी पर लगने वाले टैक्स नियम भी शामिल है। हालिया बजट में वित्त मंत्री ने कहा था कि सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट या क्रिप्टो एसेट पर 30% टैक्स लगेगा अगर उसे बेचने पर फायदा होता है। इसके अलावा जब कोई क्रिप्टो एसेट बेचा जाएगा तब उसकी बिक्री पर 1% TDS कटेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।